नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन पर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मंडी पुलिस का ट्रैफिक नियमों के प्रति विशेष अभियान जारी, वाहन चालक करें नियमों का पालन, कहा अजीत सेन ठाकुर ने। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अधिकारियों ने सेना भर्ती प्रक्रिया के व्याख्यान के बारे में आईटीआई के 525 छात्राओं को दी जानकारी। और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित, उपायुक्त सुनील कदम ने की बैठक की अध्यक्षता। और एचपीटीयू की पहली इंटर खेल कूद प्रतियोगिता शुरू, प्रदेश भर के 12 कॉलेजों के खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कभी वाहन में ओवरलोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही दुर्घटना होती है। आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंडी पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आए दिन हो रही अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं मानवीय भूल का ही नतीजा है। एएसपी अरजीत सेन ठाकुर ने कहा कि कभी भी बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन नहीं चलाना चाहिए और ना ही कभी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंसान की यही गलतियां हादसे का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंडी पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इस विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का अवहेलना करने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। एक अभियान जो अभी स्पेशल कैंपेन चलाई है, जिसमें जितनी भी बसें प्राइवेट, सरकारी या कोई और बसें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो गलत रूट पे चल रही हों, ओवरलोडिंग कर रही हों, या जिनके बस ड्राइवर और कंडक्टर बिना यूनिफॉर्म के हों, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हों, या ड्रंक ड्राइविंग, शराब पी के गाड़ी चलाने इत्यादि इस तरह के अगर ऑफेंसेस कर रहे हों, तो उनको हिदायत देने और रूल्स फॉलो करने के लिए हमने एक स्पेशल कैंपेन चलाया है, जिसका अभी हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इसका वीकली जो है जायज़ा लिया जाता है बार बार, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि कितने चलान हुए हैं और ये कंट्रोल में आया है कि नहीं आया है। बाकी मेरी आपके माध्यम से सभी नागरिकों को ये अपील भी है कि अगर कोई किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन या संदिग्ध चीज़ें, या अथवा किसी बस वाले को या टैक्सी वाले को इस तरह का रूल्स को वो करते हुए अगर आप पाएँ, तो किसी नियरेस्ट पुलिस थाने में, या एक हमारा स्पेशल नंबर है जो हम जिस पे हम व्हाट्सएप भी रिसीव करते हैं, उसका उस पे हमको भेजें। वहीं अजीत सेन ठाकुर ने लोगों से निवेदन किया है कि दो पहिया वाहन चलाते समय उच्च क्वालिटी के हेलमेट का ही प्रयोग करें, ताकि कोई दुर्घटना होने से बच सके। उन्होंने कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाएं असावधानी बरतने के कारण होती हैं, इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। अक्सर यहां पे देखा गया है कि कई रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो दो पहिया वाहन चालकों के भी हो रहे हैं। उनका कईयों का मेन कारण तो ये भी होता है कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, थोड़े हमारे सड़कों की हालत भी बीच में काफ़ी ख़राब है। तो इसके अलावा एक मेजर कारण जो दुर्घटनाओं का है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते, और अगर हेलमेट पहनते भी हैं तो वो इतनी घटिया क्वालिटी का होता है कि उसका होना ना होना बराबर ही होता है। तो हेलमेट ना पहनने से, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा हेड वाला पार्ट है वो सबसे ज़रूरी है, उसकी सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाकी इंजरीज फिर भी शायद इतनी क्रिटिकल ना हो, एक हेड की इंजरी जो है बहुत क्रिटिकल होती है। और हेलमेट रेगुलर पहनने से ना सिर्फ ड्राइवर के बल्कि जो पीछे बैठता है उसके भी पहनने से काफ़ी हद तक जाने बच सकती हैं, और एटलीस्ट दो पहिया वाहन चालकों की जाने जरूर बच सकती हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेस पूरे मंडी जिले में हमने देखे हैं जहाँ पे इसका बचाव हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी लोगों को कि वह
गाड़ियाँ टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट ज़रूर पहने, और अगर अच्छा एक हेलमेट खरीदें तो क्वालिटी उसकी बढ़िया हो, ताकि वो एक्सीडेंट के टाइम पे उनका सर का बचाव बढ़िया से कर सके, ना कि कोई सस्ता और यूजलेस हेलमेट ना पहने। आपको बता दें कि वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कभी वाहनों में ओवरलोडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं वजह से दुर्घटना होती है। वहीं मंडी पुलिस विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर भी शिकंजा कस रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीते दिन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी की संयुक्त सलाहकार समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कदम ने की। बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा लाए गए मामलों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को सदैव गंभीरता से लेता है और उनके शीघ्र निपटारे के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवासों की समय समय पर मुरम्मत की जा रही है, ताकि कर्मचारी बेहतर परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर सके। उपायुक्त संदीप कदम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कर्मचारियों के आवासों की मुरम्मत करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को लंबित पड़े चिकित्सा प्रतिपूरक व यात्रा भत्ता बिलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश भी दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वाटर फिल्टर लगाने के लिए भी उचित कदम उठाने को कहा। उपायुक्त संदीप कदम ने कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने समस्त मंडला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर उपमंडल स्तर पर भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक किया करे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की कमी दूर करने के लिए 500 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के बाद इन कंडक्टरों को ग्रामीण रूटों पर भेजा जाएगा। परिवहन निगम में सैकड़ों कंडक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं। भर्ती न होने से निगम में कई बसें सड़कों पर खड़ी हैं। प्रदेश पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 500 कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। परिवहन निगम ग्रामीण रूटों के लिए नई बसों की खरीदारी करने जा रहा है। इन बसों के आने से निगम को और कंडक्टरों की कमी खलेगी। परिवहन निगम के बेड़े में 2500 से अधिक बसें हो गई हैं और नए ऑर्डिनरी बसें व वोल्वो बसें आने से इनकी संख्या 3000 के आसपास पहुंच जाएगी। वहीं परिवहन निगम यह भर्ती अनुबंध आधार पर करेगा। कंडक्टरों के लिए 12 पास होना अनिवार्य किया गया है। परिवहन निगम का दावा है कि यह भर्ती अगले कुछ ही महीनों में की जाएगी। HRTC तकनीकी कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा है कि परिवहन मंत्री के इस फैसले से निगम में कंडक्टरों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। उन्होंने परिवहन मंत्री GS बाली से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। परिवहन निगम GS बाली ने कहा है कि परिवहन निगम में 500 कंडक्टरों की भर्ती की जा रही है और जल्द ही परिवहन निगम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगम में जल्द ही कंडक्टरों की कमी दूर होगी। आपको बता दें कि भर्ती के बाद इन कंडक्टरों को ग्रामीण रूटों पर भेजा जाएगा। परिवहन निगम में सैकड़ों कंडक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं और भर्ती न होने से निगम की कई बसें सड़कों पर खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर JEE, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, AIPMT, NDA एंड PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। पैट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2016। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स।
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पडल मंडी। एडमिशन स्टार्ट फॉर 2016-17। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैश। सचदेवा कॉलेज पडल नियर पुलिस थाना मंडी। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस मंडी। पंचायत चौकीदार यूनियन इंटक जिला मंडी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के प्रधान जय कृष्ण ने अध्यक्षता की। वहीं यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर गहनता से चर्चा की। वहीं सदस्यों ने राज्य सरकार से प्रश्न भी पूछा है कि आखिर पंचायती चौकीदारों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है। आज हमारे जिला मंडी में एक पंचायत चौकीदारों के नियमित मांगों के बारे में पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिले इसी वक्त यही समय अपने जिलाधीशों को पंचायत चौकीदारों की मांगे मानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल सरकार के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी अभी हाल में ही इस विधानसभा सत्र में एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कहा गया कि 0 से 8 साल के कितने हैं, 8 से 15 साल के कितने हैं, 15 से ऊपर कितने हैं, जो हमने सारे रिकॉर्ड जो है हिमाचल सरकार को दे दिए। परंतु हिमाचल सरकार के पास जब ये हमारे रिकॉर्ड पहुँचते हैं, 15 दिन 20 दिन के बाद ये सारे रिकॉर्ड जो है गायब हो जाते हैं। मैं डीसी मंडी के माध्यम से और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त सब इन्हें पंचायत चौकीदारों का यह ज्ञापन सौंपा है, तो जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि मैं आपकी मांग सरकार तक पहुंचाऊंगा। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो पंचायत चौकीदार पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जिले में अनशन परिवार के सहित यहाँ बैठेंगे, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे कोई भी है। पंचायत चौकीदार को मात्र 2050 रुपये सरकार देती है, इसमें 150 रुपये पंचायत देती है, परंतु परिवार का गुजारा किसने करना है। प्रतिदिन पंचायत घर खोला जाता है, प्रतिदिन हाजिर लगाते हैं। जब हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार बोलते हैं आप पंचायत के कर्मचारी हैं। जब पंचायत में जाते हैं तो पंचायत बोलती है आप सरकार के कर्मचारी। सरकार से मांगे, किससे मांगे? हमने एक अंतिम निर्णय लिया है कि सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। हम भी 5 साल के अंदर यह हमने निर्णय लिया कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यह चाहते हैं कि हम 45 दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय सरकार को 45 दिन का देते हैं। अगर 45 दिन के अंदर सरकार ने हमारे चौकीदार के प्रति कुछ नहीं किया तो पंचायत चौकीदार पंचायत के सभी अपने बच्चे बूढ़े को माँ बाप को लेकर के पंचायत जिला परिषद के यहाँ प्रांगण में बैठेंगे और अनशन के लिए बैठ जाएं जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके चलते कन्या विद्यालय स्कूल मंडी का वार्षिक परिणाम बेहतर रहा है। स्कूल प्रधानाचार्य ने वार्षिक परिणामों की जानकारी देते हुए स्कूल का बेहतर परिणाम रहने पर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को बधाई भी दी है। मध्य प्रदेश बोर्ड का जो रिजल्ट निकला +2+6 का, उसमें हमारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम में 97 बच्चे थे, 97 सारे के सारे बच्चे पास हो गए। इसमें जो फर्स्ट है लड़की वो है कुसुमलता, जिसने 94% मार्क्स लिए। दूसरे नंबर पर जानवी ठाकुर और जिसके परसेंटेज 90%, महक मरचंदा, दोनों ये बराबर रहे दूसरे नंबर पर। तीसरी पोजीशन पर रही कोमल, जिसके मार्क्स हैं 447, 89.4%। इस साइंस स्ट्रीम में 80% से ज़्यादा नंबर जिन बच्चों ने लिए वो गिनती में 15 है, 75% से ऊपर जिन बच्चों ने मार्क्स लिए वो बच्चे 29 हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास सारे बच्चे थे 26, 26 के 26 बच्चे पास हैं और फर्स्ट पोजीशन जिस लड़की ने लिए वो है रीति का 82% मार्क्स, दूसरे नंबर पर मोनिका 79%, तीसरे नंबर पर भानुप्रिया 78%। आर्ट्स में हमारे पास 88 बच्चे थे, जिसमें 87 बच्चे पास हो गए,
फर्स्ट नंबर जिसका था वो लड़की है लक्ष्मी देवी, 78.8% मार्क्स लिए इसने। दूसरे नंबर पर जो लड़की वो है दीक्षा देवी, 76.6%। तीसरे नंबर पर दिव्या, इसने 75% मार्क्स लिए। मैं सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और स्कूल के टीचर्स को बधाई देता हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट स्कूल गया। मैं सभी को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। वहीं 94% अंक प्राप्त करने पर कुसुम लता ने अपने अध्यापकों और अभिभावकों का धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि मेहनत करके आपको सफलता जरूर हासिल होगी, इसके लिए सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। I complete my plus two examination from Girls School Mandi, and for this I am thankful to all my teachers, principal and my parents. I got 94% marks in my plus two examination and I want to become a doctor. And for all the students, I want to give a message that through strong determination and hard work we can achieve our goal very easily. Camera person Yugal ke saath Bureau Report. विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी का 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम बेहद सराहनीय रहा है, जिसमें विज्ञान संकाय का परिणाम 89.39% रहा है। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने परिणामों की विस्तृत जानकारी देते हुए बेहतर अंक हासिल करने पर छात्राओं को बधाई भी दी है। हमारे विद्यालय का परिणाम बहुत ही सराहनीय रहा, चाहे साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का, सबका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। साइंस में हमारे पास 66 बच्चे अपीयर हुए थे और हमारा साइंस का रिज़ल्ट 89.39% है, जिसमें जो मोनीश लड़का है ये काफ़ी टाइम से हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, इसके 437 अंक हैं जो कि 87.4% है। सेकंड बच्चे के 436 अंक यानी 87% और थर्ड के 422 यानी 84.4% अंक हैं। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने जानकारी दी कि 12वीं कक्षा के कॉमर्स संकाय में 32 विद्यार्थी थे, जिनमें से 30 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन अन्यों को कंपार्टमेंट का सामना करना पड़ा है। और प्लस टू में हमारे पास 32 विद्यार्थी थे, 32 में से 29 पास हैं, एक ही कंपार्टमेंट है, तो कोई बच्चा इसमें फेल नहीं है। इसमें पहली पोजीशन हासिल किया नवीन ने, जिससे जिसके 392 मार्क्स हैं जो 78.4% हैं। सेकंड पोजीशन हासिल की है सुरेंद्र पाल ने, 385 अंक लेकर 77% हैं। और तीसरी पोजीशन हासिल की है अर्जुन कुमार ने, जिसके 370 अंक हैं जो कि 75.4% हैं। स्कूल की 12वीं कक्षा के 8 संकाय के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी काफी सराहनीय रहा है। स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि 42 बच्चों ने परीक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि स्कूल का वार्षिक परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बेहद अच्छा रहा है, जिसके चलते उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को भी बधाई दी है। उसी तरह आर्ट्स में हमारे पास 45 छात्र थे जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा लिया, इनमें से 44 यानी 44 पास हैं, एक बच्चे के कंपार्टमेंट है, तो कोई बच्चा फेल नहीं है। और आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की है कुलदीप शर्मा ने, जिसके 381 अंक हैं, 76.2%। दूसरी पोजीशन हासिल की है साहिल कटोच ने, जिसके 75.8% मार्क्स हैं। और तीसरी पोजीशन हासिल की है ओम प्रकाश ने, जिसके 373 यानी 74.6% मार्क्स हैं। तो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में हमारे विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा रहा। मैं इसके लिए बच्चों को, उनके अभिभावकों को और अपने स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही बच्चों को मैंने इस बात की शुभकामनाएं दी कि इन रिजल्ट से प्रेरित होकर वो भी अपने बड़े भाइयों की तरह इस साल अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतियोगिता बढ़ रही है, उसके अनुसार हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त हो चला के चैनल के इस बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए के चैनल। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन।
यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला प्रदेश के युवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने में मददगार बनेगा। विश्वविद्यालय इसके अलावा युवाओं को बैंक प्रोबेशनरी अधिकारी भी बनाएगा। कोचिंग सेंटर ने प्रदेश के युवाओं से 28 अप्रैल तक कोचिंग के लिए आवेदन मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का प्री एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर आरक्षित वर्गों के युवाओं को IAS, HAS और बैंक PO की निशुल्क कोचिंग देगा। कोचिंग सेंटर ने प्रदेश के युवाओं से 28 अप्रैल तक कोचिंग के लिए आवेदन मांगे हैं। विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC वर्ग से संबंधित युवाओं को निशुल्क, जबकि सामान्य वर्ग के युवाओं को कम शुल्क पर IAS, HAS और बैंक PO की प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी करवाएगा। OBC से संबंधित युवाओं की वार्षिक आय 3 लाख से कम, जबकि SC और ST वर्ग के युवाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के युवाओं को निशुल्क कोचिंग के लिए लगभग 75% उपस्थिति पर प्रदेश सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के युवाओं को प्रति कोर्स कोचिंग के लिए ₹2000 शुल्क देना होगा। इस कोचिंग के लिए आवेदन किसी भी कार्य दिवस पर PECC निदेशक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन स्नातक डिग्री के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी इस कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नंबर 01772830791 या फिर 2833458 पर संपर्क कर सकते हैं। PECC के निदेशक प्रोफेसर जोगिंदर सिंह धीमान ने बताया कि HPU 2 मई से 2 जून तक IAS, HAS और बैंक PO की कोचिंग देगा और आरक्षित वर्ग के लिए यह कोचिंग निशुल्क होगी, जबकि सामान्य वर्ग को प्रति कोर्स ₹2000 शुल्क देना होगा। वहीं आवेदन फार्म 28 अप्रैल तक जमा करवाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। गोहर उपमंडल में SDM राघव शर्मा को एक महिला ने एक व्यक्ति के द्वारा तंग करने के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले पर राघव शर्मा ने महिलाओं को आश्वासन दिलाया है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में किसी प्रकार की अनबन का संदर्भ दिया गया है। इस संदर्भ में ड्राइवर द्वारा भी मुझे जो है एक पत्र प्राप्त हुआ है। सत्य की जांच करने के लिए इस जो मामला है उसमें जांच आवश्यक है, तो इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मंडी पुलिस का ट्रैफिक नियमों के प्रति विशेष अभियान जारी, वाहन चालक करें नियमों का पालन, कहा अजीत सेन ठाकुर ने। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अधिकारियों ने सेना भर्ती प्रक्रिया के व्याख्यान के बारे में ITI के 525 छात्रों को दी जानकारी। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित, उपायुक्त सुनील कदम ने की बैठक की अध्यक्षता। और SPTU की पहली इंटर खेल कूद प्रतियोगिता शुरू, प्रदेश भर के 12 कॉलेजों के खिलाड़ी ले रहे हैं भाग।